चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री राधाकृष्णन बोले, सरकारी योजनाओं का विरोध करने वाले आतंकवादी होते हैं। मोदी सरकार के मंत्री ने संवैधानिक अधिकारों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का विरोध करने वाले आतंकवादी होते हैं। ये बात केंद्रीय मंत्री राधाकृष्णन ने कही है। ये कोई पहली बार नहीं जब पौन राधाकृष्णन ने ऐसा बयान दिया हो। वो इससे पहले तमिलनाडु को आतंकवादियों का गढ़ बता चुके हैं। शुक्रवार को चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं उन्हें आतंकवादी कहता हूं तो आप उन्हें असामाजिक कहकर महत्व क्यों देते हो? ये लोग असामाजिक लोगों से भी बदतर हैं। ये विकास के विरोधी हैं। दरअसल उनसे पूछा गया था कि विरोध प्रदर्शन करने वालों के बारे में वो क्या सोचते हैं। बता दें कि तमिलनाडु में सालेम चेन्नई ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं खुश हूं कि इनके खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई की। अगर वो नहीं करते तो केंद्र सरकार इस काम को करती। उन्होंने कहा कि जो लोग सालेम चेन्नई ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं, वो राज्य के पश्चिमी जिलों के खिलाफ हैं। दंगाइयों के लिए आंसू और फूल मिठाई 2019 की चुनावी तैयारी है। ये इससे चुनावी फसल तैयार कर रहे हैं उर्मिलेश। मोदी सरकार में मंत्री जयंत सिन्हा भीड़ बनकर पीट पीट कर मार देने वाले हत्यारों को फूल मालाएं पहना रहे हैं। भाजपा नेता कहीं बलात्कारियों व दंगाइयों के लिए जुलूस निकाल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आज पूरी सत्ता निर्दोष के साथ नहीं बल्कि हत्यारों और अपराधियों के साथ खड़ी है। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी नेता अपराधियों के साथ खड़े नजर आए। इससे पहले कठुआ और उन्नाव में आरोपियों का साथ देते नजर आए हैं। जयंत सिन्हा के बाद दूसरे केंद्रीय मंत्री दंगाइयों से मिलने जेल पहुंच गए। पत्रकार उर्मिलेश ने सोशल मीडिया पर सवाल करते हुए लिखा कि दंगाइयों के लिए आंसू, हत्यारों के लिए फूलमाला मिठाई। असल में ये किसी के प्रति निजी सहानुभूति का मामला नहीं, शुद्ध रूप से वोट का मामला है। 2019 के चुनाव की तैयारी की जा रही है। दंगा और दंगाई कुछ लोगों और दलों के लिए चुनाव की फसल तैयार करते हैं। उर्मिलेश का ये कहना कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि जिस तरह से अपराधियों का बीजेपी के नेता लोग साथ देते नजर आते हैं, उसके पीछे के वोट बैंक को समझा जाना चाहिए। यूपी के भाजपा एमएलए ने आईजी एएसपी को धमकाया, क्या आईपीएस एसोसिएशन सिर्फ केजरीवाल के विधायकों के लिए है? इलाहाबाद के सिटी नॉर्थ सीट से बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार भी मामला बिन बुलाए मेहमान का है। विधायक पुलिस अधिकारी से बदसलूकी करते हुए उनसे सड़क पर ही भिड़ गए। हर्षवर्धन वाजपेयी ने आईजी से काफी देर तक बहस की और लड़ते रहे। आईजी लगातार कहते रहे कि ये बात करने का कोई तरीका नहीं होता, मगर सत्ता के नशे में चूर विधायक लगातार उन्हें अंदर जाने को लेकर बहस करते रहे। दरअसल बीजेपी विधायक योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के घर पहुंचे थे, वो भी तब जब खुद राज्यपाल राम नाईक उनसे मिलने उनके घर पर मौजूद थे। इस मौके पर वो जब अंदर जाने लगे तो उन्हें एसपी ने जब रोका तो वो नाराज हो गए और एसपी सुकृति माधव के साथ आईजी रमित शर्मा से भी उलझ गए। सड़क पर ही बीजेपी विधायक आईजी और एएसपी से बदजुबानी करने लगे। कार में बैठे बीजेपी विधायक से जब आईजी ने बाहर आने के लिए बोला तो उन्होंने बाहर आने से मना कर दिया। जब आईजी ने उनसे कहा कि आप हमेशा आपके ही साथ ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब देते हुए हर्षवर्धन वाजपेयी ने कहा कि क्योंकि मैं हमेशा मौजूद रहता हूं, दूसरे लोग आते ही नहीं। काफी देर सड़क पर चली इस बहस से एक बात साफ हो जाती है कि अगर यही बहस दिल्ली में हुई होती तो मामला पुलिस थाने से लेकर तिहाड़ तक पहुंच जाता। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी विधायक ने पुलिस अधिकारी के साथ बदतमीजी की हो। इससे पहले भी वो सीएम योगी के कार्यक्रम में बिना बुलाए ही पहुंच गए थे और पुलिस अधिकारी के रोकने पर उन्हें लातों के भूत बातों से मानने कहकर पुलिस अधिकारी को धमकाया था।
भाजपा विधायक के शर्मनाक बयान पर भड़के आचार्य प्रमोद बोले, अब भगवान राम तुम्हारी सरकार बनवाने की भूल नहीं करेंगे। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि भगवान राम भी आ जाए तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना संभव नहीं। इस मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य प्रमोद ने बीजेपी और उनके विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भगवान राम बलात्कार रोक पाएंगे या नहीं, लेकिन इस बार तुम्हारी सरकार बनवाने की भूल वो नहीं करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गया है। ये बात सिर्फ विपक्षी नहीं, राज्य सरकार के अपने आंकड़े भी कह रहे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध 35% बढ़ गया है। इसी पर जब पत्रकारों ने विधायक से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अब आंकड़ों को आप पत्रकार लोग जाने, मगर मैं एक बात कह सकता हूं कि भगवान राम भी आ जाए तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाना संभव नहीं। बता दें कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल मामले सपा के आखिरी साल में 33,728 थे, जो योगी सरकार के शुरुआती एक साल में 44,936 रहे। इसी तरह बलात्कार के मामले 2,943 से बढ़कर 3,704 हो गए। छेड़खानी के मामले 495 से 988 तक चले गए। बीजेपी विधायक के बयान पर सीएम केजरीवाल बोले, भाजपा वालों भगवान राम को इस तरह बदनाम न करो। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के विवादित बयान के बाद अब पार्टी की हिंदुत्ववादी छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं। विधायक ने कहा कि भगवान राम भी बलात्कार की घटनाओं को नहीं रोक सकते। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उत्तर प्रदेश के बैरिया से भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह ने बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भगवान राम भी आ जाएंगे तो इन घटनाओं पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि ये समाज का स्वाभाविक प्रदूषण है, जिससे कोई भी वंचित नहीं रहने वाला। इसके बाद विपक्ष जमकर भाजपा पर निशाना साध रहा है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर भगवान राम को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि क्या भाजपा ऐसे राम राज्य की बात करती है? हम हिंदुओं के श्री रामचंद्र जी के राज्य में तो महिलाओं का सम्मान होता था, कोई किसी महिला की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। रेप तो बहुत दूर की बात है। भाजपा वालों भगवान श्री राम को इस तरह बदनाम ना करो। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।